हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे कॉर्नर वीडियो में। तो आज है 19 अप्रैल और हम लोग मिले थे शिवम पटेल से। कितने तारीख हो राजन? डेट नहीं याद है बट यही 23-24 मार्च को मिले थे। तो भाई साहब का जो टूर था, पग यात्रा था, पैदल यात्रा था, क्या बोलते हैं उसको, वृंदावन, काशी विश्वनाथ और भगवान राम जन्मभूमि, तो उन्होंने कंप्लीट करके और आज हजारीबाग वापस लौटे हैं। तो उन्होंने कॉल किया है, हमारे लिए प्रसाद लाए हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। तो मैं और मेरे साथ फ़ोन देने के लिए राजन भी गया था, तो मैं इसको भी अभी रिसीव कर लिया हूँ और लेके अभी जा रहा हूँ हजारीबाग रेलवे स्टेशन। वहाँ पर भाई साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। उनको ढेर सारा बधाई क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम कंप्लीट किया है। तो चलते हैं और मिलते हैं उनसे, तो आपको भी दिखाते हैं क्या वो सही सलामत घर तक आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। उनके लिए डाब पानी ले लेते हैं ताकि उनका थोड़ा एनर्जी रहे। मिलने जा रहे हैं तो कुछ तो लेके जाना होगा ना, तो डाब पानी ही लेके जा रहे हैं भाई। एक डाब पानी ले जाने के लिए पैक कर दो, ठीक है? और ये भाई साहब डाब काट रहे हैं। तो पाइप, ये पाइप और नारियल। तो चलते हैं अभी और भाई साहब को नारियल पानी पिलाते हैं। और ये हम पेट्रोल टंकी आए हैं अपना स्कूटी को रिफिल करने के लिए। बेचारा भूख गया था तो उसको भी खिला दे रहे हैं। गाइस, ये है हजारीबाग रेलवे स्टेशन और भाई साहब यहीं अंदर में हैं। तो अभी मैं चलता हूँ और उनसे मिलता हूँ और आपको भी मिलवाता हूँ उनसे। चलते हैं गाइस। टिकट लगता शायद मैं बढ़िया कहाँ करके कुछ नहीं लेगा। तो गाइस देख सकते हैं हमारा देश का झंडा, तिरंगा झंडा कितना गर्व से लहरा रहा है। तो अभी हम भाई साहब से मिल लेते हैं। हजारीबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई साहब या नहीं है, कहाँ वेट कर रहे हमारा कि नहीं कर रहे। तो ये हजारीबाग का रेलवे स्टेशन और अभी हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं प्रवेश द्वार। हाँ भाई साहब हमें दिख गए, ये रहे सीएम भाई, ये देखिए। और कैसे हैं? ठीक है, चल के बहुत अच्छा लगा आपको देख के। काफ़ी दिनों के बाद देख रहे हैं, पतले हो गए लेकिन पतले हो गए और भी फूल गया क्या? दर्द है दो इनको दो पानी आपके लिए पानी फिलहाल, ठीक है? फिर बात करते हैं आपसे आराम से, ठीक है सिम भैया? अच्छा रहा ना जर्नी आपका? बढ़िया रहा? सिर्फ पैर में थोड़ा दर्द है, चलिए भगवान राम वो भी ठीक कर देंगे, लोड नहीं लेना है। आनंद आया। और जो सनातन जो है ना, वही समझ में आता है कि सनातन एक्चुअली में क्या है। अच्छा अच्छा, अब वो जो बड़ा बड़ा पत्थर आया था नेपाल से, वो सब आप देख के आए? सब वीडियो में देखे थे आपका सब डालते सब। हाँ, लेकिन हनुमानगढ़ी दर्शन पहले होता है। हाँ, उसके बाद प्रभु श्री राम से दर्शन होता है। लेकिन हनुमानगढ़ी तक आप मोबाइल ले जा सकते हैं। हाँ, हनुमानगढ़ी के बाद जो राम से प्रभु राम से दर्शन जब करेंगे, हाँ, वहाँ एक फूल भी नहीं ले जा पाएंगे, फूल भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप वहाँ अगरबत्ती भी नहीं जला सकते, सिर्फ आँख से देखिए और निकल लीजिए, दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए ये। क्योंकि जब तक मंदिर बन रहा है तब तक, उसके बाद जाने के बाद आप चढ़ावा कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं चाहिए। चुप पीजिए, फिलहाल पीजिए आप नारियल पानी, ठीक है? पहले कुछ आराम कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही कहीं कुछ समझे। यहाँ तक बहुत है, हमने जो कुछ भी हो भैया का प्रसादी तीनों धाम के देखी। ये गर्म पट्टी की जगह बांधे है ना कपड़ा, बांधे दर्द हो रहा है। जान राजन एक गर्म पट्टी लेते जाना पैर का ही, ठीक है? दो लेते आ जाना दो, ठीक है? ठीक है भैया, दो में हो जाएगा? हाँ, दो में हो जाएगा। यहाँ से जो है ना लंबा ले लेंगे ना 4 मीटर का, हाँ हो जाएगा 4 मीटर। यही पैर दुख रहा है ज़्यादा? यही दर्द, दर्द तो भी है लेकिन ये ज़्यादा है, चलने नहीं दे। चलिए ठीक है, राजन को भेज रहा हूँ कुछ खाने वाला लाने के लिए और इनका गर्म पट्टी लाने के लिए भाई साहब को, है ना? थोड़ा पैर में ज़्यादा दर्द है इनका, तो गर्म पट्टी लगा। दवा भी चाहिए क्या? नहीं, दवा है। तो राजन का हंसी देख सकते हैं, लेकर आए हैं क्या क्या दो भाई साहब को।
बैंडेज गाड़ी में छोड़ के आए लोग, खाना का खाने का सामान लाया है, दो इनको दो लीजिए सीएम भैया, देखिए खाइए ठीक है आराम से, पहले बैंडेज गर्म पट्टी स्कूटी में तो ला के इनको देंगे, और इनका ये कुछ कुछ प्रसाद है, ये राम मंदिर के तरफ से मिला है प्रसाद, हाँ यही मिलता है राम मंदिर का, आप खरीद के बाहर से ले जा नहीं सकते, नहीं वहाँ तक तो फूल भी नहीं आप ले जा सकते, तो ये प्रसाद सबको ना मिलता होगा, हाँ, नहीं ये प्रसाद जो है ना सबको कैसे मिलेगा, नहीं मिलता सबको नहीं मिलेगा, जैसे चाहते है कुछ प्रेरणा ले, ये है एक मथुरा से मिला है जहाँ से कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ से मिला है, डब्बा मीठा मतलब मीठा का प्रसाद है, और ये वृंदावन से एक डब्बा, ये वृंदावन का वृंदावन सेम एक ही है, मन प्रसाद एक ही है, हाँ कृष्ण ठीक है, ये काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद है जो हम खरीदे थे, ठीक है ये बिस्किट राजेंद्र, और ये गरम पट्टी ना इधर रख दो, रख दो यहाँ रख दो, मथुरा से जो वहाँ का कमेटी है वहाँ का जो मथुरा अध्यक्ष जो होते हैं, हाँ उनके द्वारा ये टी शर्ट मिला है, हाँ ठीक है, और ये वृंदावन बाकेलाल बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ से ये कुर्ता मिला आपको, ये कुर्ता वहाँ से मिला ना, ठीक है सब आपका ये सम्मान है शर्ट वर्ट ना, ये जो जो निशान मतलब हनुमान घाटी के बहुत पवन माना जाता है, जो लाल वस्त्र पर हनुमान जी साक्षात मतलब खुशी रहते हैं उनको अच्छा लगता है लाल, तो ये हनुमान जी के तरफ से जो मंदिर का पंडाल जो होते हैं, हाँ जो लोगों ने आपको दिया है गिफ्ट में, कभी भी आपका साथ रहे तो कोई संकट वाला हाँ किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं घटनाएं नहीं आई, अच्छा अच्छा ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट राम जन्मभूमि जब हम दर्शन करने गए थे, हाँ तो ये प्रभु श्री राम का जो है सब बोलते हैं कि इस तरह का झंडा तो आप तो बहुत देखे होंगे, आपके शहर में भी होगा, हाँ मगर इसका कुछ खास अलग है, हाँ ये जो है ये साक्षात आपको मंदिर की तरफ से एक तो दिया जा रहा है, या आप जाके जहाँ जाएंगे वहाँ ये साक्षात रहना चाहिए, जी गाड़ दीजिए चाहे अपने घर में गाड़ दीजिए, हाँ ये राज्य का नाम पे जा रहा है, मतलब ये झारखंड राज्य के नाम पे आपको राज्य के नाम पे जा रहा है, क्यों भी आपके लिए नहीं जा रहा कि आप जिस जिला में रहते हैं हाँ। उस जिला का ही नाम है, जी नहीं ये झारखंड है, क्योंकि झारखंड से आप आए पूरे झारखंड के पास, तो ये सबको मिलता है, नहीं जी नहीं हाँ। जो आते हैं पग यात्रा कुछ ऐसे कठिनाइयों कर बहुत ऐसे मतलब स्पेशल जो श्रद्धालु होते हैं स्पेशल भक्त जो होते हैं उनके लिए, उनके लिए स्पेशल मिलता है, मतलब कुछ गिने चुने लोग को ये झंडा वहाँ मंदिर से मिलता है, तो गाइस आप देख सकते हैं सीएम भाई आज कितना दिन हो गया आपको टोटल घूमते घूमते, एक महीना चार दिन, एक महीना चार दिन टोटल 34 दिन पग यात्रा करके आज हजारीबाग वापस फिर से आए हैं, तो इनके पास है कुछ प्रसाद है और कुछ वहाँ जो इनको मंदिर से मिला है वस्त्र वो सब, तो फिलहाल इनके पैर में बहुत दर्द था तो गर्म पट्टी हमने मंगवा दिया है, और अच्छा लगा इनसे, इनका जो उत्साह है खुशी है वहाँ से जो आए उसके बाद इनका जो ऊपर जो भगवान का विश्वास है जो बढ़ा है वो देखने लायक है, तो अच्छा लग रहा है शिवम भैया एकदम बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है फिलहाल आप नाश्ता कर लीजिए, पहले गर्म पट्टी बांध लेते हैं हम लोग उसके बाद नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिएगा ठीक है, शिवम भैया सारा प्रसादी हमारे लिए मिक्स कर रहे हैं खोल के डब्बा ताकि हमको भी हर जगह का थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिले, आपका ये प्यार अच्छा लगा देख के तो काफी अच्छा लग रहा है ऐसे प्यार करता है, हाँ तो स्पेशली ये हमें प्रसाद देने के लिए हजारीबाग रेलवे स्टेशन में रुके हुए हैं, सबका मुंह में जाता प्रसाद और आप लोग नहीं जाते, कितना बड़ा बात हो जाता मालूम है, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं, अरे आपको लगे कि नहीं यार हमारे लिए बहुत है, भैया कुछ राधा कड़ा लाए हैं राधा वाधा जी का श्याम राधे, और कुछ ये लॉकेट राधे श्याम जी का, और इसमें भी कुछ कुछ है ना, मतलब पूरा इनका जर्नी का जो भी कुछ है सारा चीज़ आज हमारे साथ ये शेयर कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इनसे मिल के, आज लग रहा है कि हाँ ठीक है ज़िंदगी में कोई है अपने भी चाहने वाले, और ये छोटा सा समोसा ट्रीट राजन के तरफ से शिवम भाई के लिए, समोसा निकालिए निकालिए भाई, देख सकते हैं
जाने के टाइम सीएम भाई काफ़ी अच्छे चल के जा सकते थे, अभी आने के टाइम उनका पैर में दर्द काफ़ी ज़्यादा है। उस टाइम भक्ति में मग्न इनको अपना शरीर अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं था, बट अभी थोड़ा सा भी बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो अभी गर्म पट्टी है, मैं इनका हेल्प करता हूँ गर्म पट्टी बांधने में ताकि इनको थोड़ा सा अच्छा लगे, आराम मिले। तो दर्द अभी पूरा शरीर में है, ज्यादा चल रहा है आसपास, एक दो दिन और बाकी फिर तो ठीक है, जैसा प्रभु की कृपा है। अभी शिवम भैया को बाय बाय बोलने का समय हो गया क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो उसी के रिलेटेड मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ। भैया बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, ठीक है, और जिंदगी बस चलते रहेगा, फिर कभी कभी जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए फिलहाल के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, राधे राधे। तो इस आस्था को इस विश्वास को बनाए रखने के लिए अब भी किसी राम भक्त या किसी का भी जिसको जिस चीज़ के प्रति आस्था हो, जिस चीज़ को वो मानते हो, उनका वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। इसलिए हम सब कोशिश करते रहे कि जो हो पाए हमसे वो उनके लिए करें, हेल्प करें ताकि उनको अच्छा लगे, जो विश्वास है उनका वो बना रहे। तो फिलहाल के लिए आप भी विश्वास रखिए अपने माँ बाप पे, अपने सब चीज़ पे, और खुश रहे, मस्त रहे। फिलहाल के लिए बाय बाय टाटा। नौकरी का नहीं पता बट भाभी को बोलिएगा, ठीक है।